आज हमारी लिटरली पहली क्लास है। लास्ट क्लास हम लोग मिले थे, हम लोग ने बस डिस्कशन किया कि पढ़ाई कैसी करनी चाहिए एसेट्रा एसेट्रा, लेकिन हमने पढ़ाई कुछ नहीं किया। हम लोग 1.5 घंटे 2 घंटे तक ऐसी बात करते रहे, हाउ टू स्टडी सी ए सी एस सी एम ए, सब्जेक्ट कैसा है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्यों स्टूडेंट पास हो जाते हैं, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें की। आज हम लोग सिर्फ काम की बात करेंगे, और काम की बात यह है कि टैक्स। आज हमारा सब्जेक्ट है क्या, टैक्स रेट। यहां से हमारी क्लास शुरू होती है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। टैक्स रेट टॉपिक को हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे इंडिविजुअल की टैक्स रेट, HUF की टैक्स रेट, कंपनी की टैक्स रेट, फर्म की टैक्स रेट, फर्म AOP BOI की टैक्स रेट, AJP की टैक्स रेट, एसेट्रा एसेट्रा। तुम बोलोगे थोड़े बहुत और बता देंगे। देयर आर सेवरल वैरायटीज ऑफ टैक्स। हम लोग स्टार्ट करते यहां से, क्या इंडिविजुअल की टैक्स रेट। क्वेश्चन यह है कि आज की डेट में एक इंडिविजुअल पैसे कमाएगा तो कितना टैक्स देगा। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। कोशिश करेंगे आज ये सब फिनिश हो, लेकिन डिफिकल्ट है भाई। ओके, टॉपिक का नाम है टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। देखो, एक इंडिविजुअल की टैक्स रेट जनरली चलती है पहले 2,50,000 तक उसे कोई टैक्स नहीं देना, नो टैक्स। लेकिन नेक्स्ट 2,50,000 पे उसको टैक्स देना पड़ता है सिर्फ 5%। यदि इंडिविजुअल उससे भी ज्यादा कमाने लग गया तो नेक्स्ट 5 लाख पे उसको टैक्स देना पड़ेगा 20%, और बैलेंस इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा हाउ मच, 30%। यानी यदि एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 40 लाख है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, फर्स्ट 2,50,000 पे साथ साथ बोलना पड़ता है निल, नेक्स्ट 2,50,000 पे साथ साथ बोलना पड़ता है कितना, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% देना पड़ता है, बोले तो 1 लाख। अब ये हो गया देखो 10 लाख, 2,50,000 + 2,50,000 + 5 लाख 10 लाख हो गया। अब इस 10 लाख के बाद बैलेंस जितनी भी इनकम बची, इनकम कितनी है 40, 10 हो चुका है, बैलेंस 30 लाख पे आपको देना पड़ेगा 30%, यानी कि 9 लाख। यानी एक इंडिविजुअल जो 40 लाख रुपए कमाया, टोटल मारो 40 लाख आएगा, उसे इंडिया में टैक्स देना है 10,12,500। यहां तक क्लियर हुआ क्या? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक इंडिविजुअल मिस्टर एक्स जिसकी इनकम, मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई ले लेते हैं, जिसकी इनकम 12,80,000 है, उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। साथ में आते सर, आप बोलो। हाँ प्रथम 2.5 लाख कोनो टैक्स दीते हो ना, ठीक आचे, नेक्स्ट 2.5 लाख 5% बोले तो 12,500, नेक्स्ट 5 लाख 20%, यानी अरे पूरा आंसर बोलना है ना हमें, यू नीड कैलकुलेटर, यू नीड कैलकुलेटर। हाँ तो बोलिए। नहीं चलेगा दादा, कैलकुलेटर तो एकदम नहीं चलेगा। सर बोलिए, 1 लाख। अब बताइए बैलेंस इनकम कितनी बची, 2,80,000, इस पे 30% बोले तो भाई साहब, सर
और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, 2,80,000 पे 30% नहीं, कोई बात नहीं सर। अरे गुड है, 84,000। तो फाइनली जिनकी इनकम 12,80,000 है उसको देना पड़ेगा टैक्स, बोले तो यही असल में पढ़ाई है। टैक्स तो चलते जाएगा, ये जो माइंड की एक्सरसाइज है ना, ये वास्तव में पढ़ाई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कई बार अपने पुराने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ये जिम है जिसमें हम लोग ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, एंड दिस इज द एक्सरसाइज। टैक्स चलता रहता है और ये एक्सरसाइज भी चलती रहती है। और जो बच्चे बचपना करते हुए सिर्फ टैक्स सीखने आते हैं, उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता। पास कौन करेगा? जिसका ब्रेन अच्छा है, शार्प है। हाँ, तो कितना है ये? आपको ट्राई करते रहना चाहिए, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। तुम मेरे से और पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा मैं ट्राई करते रहता हूं, रॉन्ग होता है, डजंट मैटर, द मैटर इज आई ट्राइड। ठीक है ना? 196,500। तो किसी को लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन एक्सरसाइज भी तो चल रही है। एक और लेते हैं, इनकम ऑफ मिस्टर जेड, इस बार मिसेज जेड कर देते हैं, 13,80,500। ठीक है, आपको बताना टैक्स। सर वापस रिट्राई करो। हाँ, फर्स्ट सर हबड़ाओ मत, एकदम कूल रहो दिमाग में। फर्स्ट 2,50,000 निल, नेक्स्ट 2,50,000, अरे नाइस, 5% बोले तो 12,500, नेक्स्ट 5,00,000 पे 20% बोले तो 1,00,000, और बैलेंस दो, टोटल इनकम है 13,80,500। ये यहां तक हो गया 10,00,000, अभी 3,80,500 और बचा है, 3,80,500 पे 30%। मैडम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बस ट्राई करते रहना, नहीं एकदम अटेम्प्ट ही नहीं है सर। सर 500 नहीं, देख लास्ट में तो 150 आएगा। देख इसका 150 ऐसे करना पड़ता है, 150 24,150, अरे 80,000 का 30%, 24,150 एंड 90,000, 90,000 में 24,150, 1,14,150, 1,14,150, टोटल कितना आया? 2,26,850। ठीक है, छोड़ो टैक्स, समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स छोड़ो, टैक्स समझ में आ रहा है? ये कैसे हुआ, कैलकुलेशन क्लियर है? ओके, कैलकुलेटर भी यूज करो, कभी कभी ये भी यूज करो। इसको 2 या 3 बार हमने किया तो हमें ये क्लियर हो गया कि पहला ये मूवमेंट फिक्स है, ये मूवमेंट हमेशा ऐसे ही चलेगा, 2,50,000 पे निल, 2,50,000 पे 5 और 5,00,000 पे 20, यानी पहले 10,00,000 पे हमेशा 1,12,500 ही आएगा, पहले 10,00,000 पे हमेशा, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,12,500 ही आएगा। तो हम लोग टैक्स रेट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले 10,00,000 पे हमेशा 1,12,500 और बैलेंस पे 30%, राइट? वापस से ट्राई करते हैं। तो सपोज मैसेज एक्स की इनकम है 42,70,000, तो इन्हें टैक्स इतना देना पड़ेगा 42,70,000 में, पहले 10,00,000 पे 1,12,500 और बैलेंस 32,70,000 पे 30%, ये जितना है कैलकुलेटर में निकाल लो। ठीक है, कितना आया? अरे कितना आया?
अरे बैठे रह गया, तुम बताया नहीं मेरे को। ठीक है, तो दोनों मिलाते कितना आया? 10,93,500। सब तो क्लियर। इसको अपने और शार्पन करेंगे जब हम लोग और पढ़ेंगे। अभी पढ़ाई क्या जो शार्प करें, इतना शार्प करेंगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा कि यस नाउ यू आर एजुकेटेड। अभी अपने शार्प नहीं किए कि दादा नतून कैलकुलेटर खूब भलो कतो कीने चे कतो कितने में खरीदा कतो कतो पड़े चे हैं कतो पड़े चे वाह खूब भलो दाम खूब भलो बार्गेनिंग हुए चे नाइस। आओ स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें टैत्सी देवी माँ की मूर्ति याद आ रही ना, वो टैत्सी देवी माँ की मूर्ति कैसे, ये टैत्सी देवी माँ है। जैसे बोलेंगे 10 लाख बोलते ही एक बार 500 माँ दी रहेगी और फिर बचे हुए पे 30% रिफ्लेक्टर लगाएगी। तुम जितने भी इनकम बोलोगे पहले एक बार 500 और बैलेंस पे 30%। आप इनकम बोलिए माँ मेरी इनकम 30 लाख, माँ बोलेगी बेटा 30 लाख में पहले तो तू 1/12 500 धर, अब बचा 20 लाख, 20 लाख पे 30% 6 लाख, 6 लाख को 1/12 500 7/12 500। आप इनकम बोलेंगे माँ मेरी इनकम 11 लाख, 11 लाख तो पहले 10 लाख पे 1/12 500 और बैलेंस 1 लाख पे 30% 30,000, 1/12 500 प्लस 30 142 500। इस तरीके से कोई भी 10 लाख के ऊपर इनकम आए तो आप सीधा यही मूर्ति लगाना 1/12 500 और बैलेंस पे 30%। 10 लाख के नीचे की इनकम आए तो यू नीड टू डू 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20% वाला स्लैब। क्लियर? ओके नाइस। सब मास्क हटा सकते हो, मैंने सोचा दूर बैठो भाई, दूर इसको और दूर बैठो तुम, हाँ तथा आराम से बैठो, ये हटा तो क्यों कान वान में तकलीफ, हटा ना यार, रिलैक्स होते बैठ और कॉपी में चलते हैं। अच्छा रुक जा, पहले थोड़ा और सिखाते हैं। आपने सीखा टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल, पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%, कंक्लूजन 10 लाख पे 1/12 500, बैलेंस पे 30%। ठीक है सर, स्माइल से पढ़ो। अगला टॉपिक लेकर आते हैं टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल में ही हमारे देश में बुजुर्ग की बहुत इज्जत है। बस में बुजुर्ग आते हैं तो हम लोग उठ के सीट दे देते हैं, अभी भी राइट, अपने सब देते हैं ना, कुछ कुछ लोग नहीं देते छोड़ो, अपने सब देते हैं ना। सीनियर सिटीजन आते ही हम लोग बोलते हैं आप बैठ जाइए, हम लोग खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बचपन से ही कल्चर डाला हुआ है, पहले पापा तो खड़े हुए थे देखा, अब हम लोग खड़े हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट। इनकम टैक्स में भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट है। ये लोग बोलते कि जो भी सीनियर सिटीजन है उससे हम लोग टैक्स थोड़ा सा कम लेंगे। तो पहले तो ये बताइए सीनियर सिटीजन किसे बोलते हैं। तो मैं एक बात तुम्हें सीनियर सिटीजन की हिंदी बताऊं, इट इज भारतीय बुजुर्ग। इसका मतलब तुम थोड़े दिन बाद समझोगे। भारतीय बुजुर्ग मतलब, बुजुर्ग मतलब वो जो 60 साल या उससे ऊपर की एज का है, जिसकी एज 60 ईयर्स और अबव है। 60 साल का हो गया सीनियर सिटीजन हो गया, 61 सीनियर सिटीजन, 59 नॉट सीनियर सिटीजन। 60 साल या उसके ऊपर के हो गए प्लस हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये टर्म क्या होता है ये अपने अगले चैप्टर में सीखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी आप ऐसे समझ लो भारतीय बुजुर्ग। ठीक है, तो यदि आप 60 इयर्स और ऊपर की एज के हो प्लस रेसिडेंट इन इंडिया हो तो हम लोग आपको बोलेंगे यू आर सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन की टैक्स रेट है पहले 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%। देखो वहां पे क्या था, पहले 2.5 लाख पे नील, फिर 2.5 लाख पे 5%, मतलब लाते थे हम लोग 5 लाख। हमने यहां पे क्या किया, पहले 3 लाख पे नील फिर 2 लाख पे 5%, लाया हमने भी 5 लाख, ताकि आगे की कहानी वैसी चले, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। हाँ
तो अमिताभ बच्चन जिनकी एज 78 ईयर्स हो गई, रेसिडेंट इन इंडिया है, भारतीय है, भारत पे रहते हैं, तो जो नॉर्मली भारत में रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंट इन इंडिया। तो अमिताभ बच्चन जी जिनकी एज 78 ईयर्स हो गई, रेसिडेंट इन इंडिया है, तो उनको हम लोग क्या टाइटल देंगे? सीनियर सिटीजन। अब सपोज उनकी इनकम, एक बार छोटी सी इनकम लेता हूँ, 30 लाख है, हाँ, तो उन्हें पहले 3 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा नल, नेक्स्ट 2 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, अरे बोलो कितना, 5% बोले तो 10,000, और उसके बाद कहानी वैसे ही है, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% बोले तो 1 लाख, और बैलेंस, अरे 30 लाख की इनकम है, ये देखो 10 लाख आ गया, बैलेंस 20 लाख पे 30% बोले तो 6 लाख। यानी जिनकी इनकम 30 लाख है और सीनियर सिटीजन है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा 7,10,000। यहां तक क्लियर? दूसरी भाषा में टैक्स ही देवी मां की मूर्ति में से चेंज करूं तो इनके पहले 10 लाख पे 1,10,000 टैक्स है। यानी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए टैक्स स्लैब है पहले 10 पे 12,500, बैलेंस पे 30। सीनियर सिटीजन के लिए पहले 10 लाख पे 1,10,000, बैलेंस पे 30। दूसरी भाषा में बोलूं तो जितना एक नॉर्मल इंसान, आप और हम टैक्स देते हैं, सीनियर सिटीजन उससे 2,500 कम देता है। ये बात समझ में आई? 10 लाख पे 12,500, इनका 10 लाख पे 1,10,000। तो आप दिमाग में इतना सा रख लो, सीनियर सिटीजन को 2,500 रिलैक्सेशन है, तब भी चल। सब क्लियर? स्माइल ही नहीं देते, डाउट है ना दादा? स्माइल दी ठीक है, बोलो हो ना, स्माइल तो चाहिए अपने को। ये हुआ सीनियर सिटीजन का टैक्स रेट। जितना नॉर्मल आदमी टैक्स देता है वो उससे 2,500 कम देता है। दूसरा लेके आते हैं, एक हमारे यहां एक और कैटेगरी है, वेरी सीनियर सिटीजन। कौन? वेरी सीनियर सिटीजन मतलब अति भारतीय बुजुर्ग, नहीं नहीं भारतीय, अति बुजुर्ग, अति मतलब समझते ना, बहुत ज्यादा। हिंदी नहीं समझते तो कोई बात नहीं, भारतीय अति बुजुर्ग, अति बुजुर्ग मतलब जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ऊपर है। हमारे मनमोहन सिंह 80 ईयर्स या उससे ऊपर है, प्लस रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो वो बंदा जो रेसिडेंट इन इंडिया है, नॉर्मली इंडिया में रहता है, प्लस 80 ईयर्स या उससे ऊपर की एज का है, उसको टैक्स में और रिलैक्सेशन है। उनके लिए स्लैब है पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे गैस करो कितना, लाउडर दादा, आपने नहीं बोला, सबने बोला। मैं यही चाहता हूं कि आपका ब्रेन काम करे, आपकी आंखें और कान नहीं चाहिए मुझे, मुझे आपका ब्रेन चाहिए। 20% देखो, सभी ने गेस्ट कर लिया, वहां पे 2,50,000 पे नहीं था, पे 2,50,000 पे 5 था, जैसे 5 हुआ उसके बाद 20% आना शुरू हो गया। सीनियर सिटीजन के पहले 3 लाख पे नील था, फिर 2 लाख पे 5% था, जैसे 5 पार हुआ 20% आना शुरू हो गया। उसको पहले 5 पे नील दे दिया तो अगले 5 पे हमने उसको उसी ट्रैक पे रहा 20% एंड बैलेंस पे 30%। यानी मनमोहन सिंह जी सपोज उनकी इनकम 50 लाख है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% बोले तो 1 लाख, आपने देखा 10 लाख पे 1 लाख हो गया, और बैलेंस 40 लाख पे 30% बोले तो 12 लाख। तो मनमोहन जी जिनकी इनकम 50 लाख है और वो वेरी सीनियर सिटीजन है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 13 लाख। हाँ इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स ही देवी मां की स्वरूप 3 लोगों के लिए अलग अलग है। यदि आप वेरी सीनियर सिटीजन है तो पहले 10 लाख पे 1 लाख, बैलेंस पे 30%। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो पहले 10 लाख पे 8,10, बैलेंस पे 30%। यदि आप नॉर्मल इंडिविजुअल है तो पहले 10 लाख पे 1,12,500, बैलेंस पे 30%। ऐसे भी याद रखना है, वैसे भी याद रखना है, 2,50,000 पे निल, 2,50,000 पे 5, 5 पे 20, बैलेंस पे 30। 3 पे निल, 2 पे 5, 5 पे 20, बैलेंस पे 30। 5 पे निल, 5 पे 20, बैलेंस पे 30।
तीसरी भाषा से भी याद रखो, नॉर्मली टैच होता है 10 पे 12 500, बैलेंस पे 30। सीनियर सिटीजन को 2500 का रिलैक्सेशन और वेरी सीनियर सिटीजन को 12500 का रिलैक्सेशन। इतनी इज्जत दे दी हमने वेरी सीनियर सिटीजन को, 12500। तो इस तरीके से आपको 3 टैक्स रेट मालूम पड़ गए। यहां तक क्लियर? स्पीड में हमेशा थोड़ी सी शार्प रखता हूं, थोड़ी सी स्पीड, थोड़ा सा 1.1 रखता हूं मैं। मुझे डलनेस पसंद नहीं है सर, डल मत रहो, स्माइल देते रहो, पढ़ते रहो तड़ा तड़। दूसरी चीज बताता हूं, देखो महेंद्र सिंह धोनी कितना कमाता होगा? करोड़ों में। हम लोग कमाते हैं लाखों में। हम लोग से टैक्स लेता 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। महेंद्र सिंह धोनी से भी उतना ही लेता क्या? 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30। तो हम बोले ये तो अन्याय है, गरीब आदमी से भी उतना टैक्स, अमीर आदमी से भी उतना टैक्स। हम और महेंद्र सिंह धोनी बराबर है क्या? नहीं सर, वो तो बहुत पैसे वाला है, आप तो उससे ज्यादा लीजिए। इसको कंसिडर करते हुए इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया क्या? सरचार्ज। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में सुपर टैक्स बोलते हैं, हमारे इंडिया में इसको सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग क्लियर करूं, सरचार्ज। व्हाट इज इट? ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, जिनकी इनकम टीआई मतलब टोटल इनकम, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, उनसे तो कोई सरचार्ज मत लीजिए। लेकिन जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, उनसे 10% सरचार्ज लीजिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज मींस टैक्स ऑन टैक्स, मतलब उनकी जितना भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसका 10% और लीजिए। इसलिए मैंने अमिताभ बच्चन की इनकम 30 लाख रही थी, क्योंकि यदि मैं अमिताभ बच्चन की इनकम 90 लाख रख देता तो टैक्स इतना होता। पहले 10 लाख पे 10, हां बोलो, अरे हां बोलो, सीनियर सिटीजन है ना। बैलेंस 80 लाख पे 30% बोले तो 24 लाख, ये हो गया 25 लाख 10 हजार। और अब इनको एक सरचार्ज भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, एट द रेट 10%। 10% क्या चीज का? 10% क्या चीज का? नहीं नहीं, क्या चीज का? किसके ऊपर 10%? टैक्स के ऊपर 10% ऑन दिस, यानी 2,51,000 वो टैक्स और देंगे और इनका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा इतना। तो जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है उन्हें 10% टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ता है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 15% सरचार्ज देना पड़ता है, जिनकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 25% सरचार्ज देना पड़ता है, और महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 37% सरचार्ज देना पड़ता है। 37% सरचार्ज। क्लियर? तो धोनी साहब जिनकी इनकम सपोज 7 करोड़ है, धोनी साहब जिनकी इनकम सपोज 7 करोड़ है तो उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो सबसे पहले 7 करोड़ को आप 700 लाख लिखिए, आपके लिए आसान रहेगा। अब 10 लाख पे कितना? 1,12,500, खत्म, क्योंकि ये नॉर्मल सिटीजन है। और बैलेंस 690 लाख पे 30%, भाई बताना कितना आया? सॉरी, नहीं नहीं, 23 लाख नहीं आएगा, नहीं 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 120 नहीं आएगा, सॉरी 120 था सही, सी तो यही आ गया। हाँ, 20,70,000, लड़का बता दिया भाई, 20,70,000।
ये दोनों मिला के आ जाए 7 करोड़ पे इनकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाए 21,82,500। अब इनको पे सरचार्ज लगेगा भाई एट द रेट 37%। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। तो सोचो भाई जितना टैक्स है उसका 37%, यानी 21,82,500 इंटू 37%। इन्हें क्या मिस्टेक हो रही है, ये 20 लाख नहीं भाई, ये 207 लाख है। ठीक है, 690 लाख पे 207, तो ये टोटल रॉन्ग ही है, 207 एक एक 12 500, 208 12 500, इसका 37%, 2 करोड़ 85 लाख 13,125। तो धोनी साहब जो 7 करोड़ कमाते हैं वो इंडिया में 2 करोड़ 85 लाख का टैक्स देते हैं। देश इन लोग से चलता है भाई, हम लोग तो हाल ही चलते हैं, है ना। 2 करोड़ 85 लाख का टैक्स से देते हैं 7 करोड़ कमाने वाले। देखो ना कितना जबरदस्त बर्डन डाल दिया, 77 लाख का एक्स्ट्रा टैक्स, क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है। बात क्लियर? ओके, तो पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। ये हमारी नॉर्मल स्लैब। सीनियर सिटीजन के लिए बोलते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ, वीडियो वाले बच्चे को भी बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे, शांति से सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। शांति से सुनो और बिंदास बोलो। यहां दिल का दरवाजा है ना, कान से नहीं जाता, दिल का दरवाजा मुंह से जाता है। इस बात को यदि मान लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहते हो कि सारी चीज तुम्हारे आत्मा में बैठ जाए तो बोलो उसको, मल्टीपल टाइम्स बोलो। हाँ, पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5, नेक्स्ट 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30 हटाओ। सीनियर सिटीजन है तो पहले 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 2 लाख पे 5, नेक्स्ट 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। वेरी सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 80 ईयर्स या उससे ऊपर है, प्लस रेसिडेंट इन इंडिया है, पहले 5 लाख पे नील, नेक्स्ट 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। लेकिन यदि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज है 10%, यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज है 15%, यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज है 25%, यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज है 37%। यहां तक क्लियर? ओके, वापस से बोलिए। 50 लाख तक नो सरचार्ज, मोर देन 50 लाख 10%, जस्ट 1 करोड़ है 10%, 1 करोड़ 1 लाख होते ही 15%। क्लियर? मोर देन 1 करोड़ 15%, अप टू 1 करोड़ 10%। क्लियर? एक इंडिया में और टैक्स लगता है, उसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हम लोग प्यार से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, एट द रेट 4%। कहानी सुनो, ये किस बात के लिए आया। आज से बहुत साल पहले जब वाजपेयी सरकार थी तब पाकिस्तान ने कारगिल पे कब्जा करने की कोशिश कर ली, तो हमारी आर्मी ने जाकर उनको ठंडा कर दिया। लेकिन सिंस वो लोग टॉप ऑफ द हिल पे थे, हम लोग नीचे में थे, तो हमारा बहुत कॉस्ट लगा, बहुत जान मान की हानि हुई। तो फाइनली देश को सिंस रेवेन्यू की कमी पड़ गई तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया पूरे सिटीजन्स के ऊपर इन द नेम कारगिल सेस। हम लोग देश वालों ने बड़े खुशी खुशी कारगिल सेस दिया कि चलो देश में कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट करे, वहां जाके लड़ नहीं पाए कम से कम यहां तो कॉन्ट्रीब्यूट करे। तो हम लोग सभी ने खुशी खुशी दिया। थोड़े दिन बाद कारगिल खत्म, वो तो थोड़े दिन का खेला था, खत्म हो गया।
उसके बाद गुजरात में अर्थक्वेक आ गया, भयंकर वाला अर्थक्वेक। तो फिर इस कारगिल से इसका नाम हटा के गुजरात अर्थक्वेक सेस कर दिया। ठीक है, हमने बोला ठीक है वहां पे प्रॉब्लम्स है, चलो अपने पैसे देते हैं। गुजरात अर्थक्वेक सेस दे दिया, वो भी सलट गया। साल भर बाद इंडिया में कुछ नहीं हुआ, इंडिया एकदम नॉर्मल चल रहा है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को पैसे लेने की आदत पड़ गई, यू नो आदत। तो पहले तो कारगिल के नाम से ले लिया, उसके बाद गुजरात अर्थक्वेक के नाम से ले लिया। तीसरे साल कुछ हुआ ही नहीं, कैसे ले। तो फिर इन्होंने इस टैक्स को कंटिन्यू किया इन द नेम एजुकेशन सेस, और वही चलता रहा। अब इन्हें थोड़े दिन पहले नाम चेंज कर दिया और रेट बढ़ा दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। पहले रेट थी 3%, अब रेट कर दिया 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। यानी आपको जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा, जितना भी आपका टैक्स होगा, उसको 4% आपको देना ही पड़ेगा सबको। यदि आपका टैक्स 0 तो सेस 0, यदि आपका टैक्स 1,000 तो सेस 40 रुपए, यदि आपका टैक्स 1,00,000 तो सेस 4,000। मतलब जितना भी आपका टैक्स आएगा उसको 4% और जोड़ के लेंगे। आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, आपकी इनकम चाहे 50,00,000 के नीचे हो या 50,00,000 के ऊपर हो, जो भी आपका फाइनली टैक्स आ रहा है ना, उसको 4% और जोड़ेंगे। बात क्लियर? तो सपोज आपकी इनकम, आप हो मिस्टर एक्स, आपकी एज है 32 और आपका टैक्स होता है आपकी इनकम होती है सपोज 50,00,000, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10,00,000 पे 1,12,500, 40,00,000 पे 30% बोले तो 12,00,000, सब लगे रहना साथ साथ, ये हो गया 13,12,500। अब इसमें सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपकी इनकम 50,00,000 के ऊपर नहीं है, सरचार्ज नील 13,12,500। अब आपके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4%, 4% किसका? टैक्स का। तो 13,12,500 का 4% बताओ भाई, 52,500। तो ये हो गया आपका 13,65,000। यहां तक क्लियर? हाँ, आप कैलकुलेटर बिंदास चलाओ, लेकिन आप ये भी सोच लेना कि थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन इंप्रूव करना चाहिए। इसलिए नहीं कि एग्जाम है, इसलिए क्योंकि ब्रेन तेज होगा, मसल्स कैसे बनती है, जितना यूज करते हो उतनी मसल्स बनती है, ब्रेन भी तो मसल्स ही है, जितना यूज करोगे उतना बनता जाएगा। सपोज आप हो मिस्टर वाई, आपकी एज है 92 ईयर्स और आपकी इनकम है 80,00,000, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा पहले 10,00,000 पे 1,00,000, बैलेंस 70,00,000 पे 30% बोले तो 21,00,000, आपका टैक्स हो गया 22,00,000। आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपकी इनकम 50,00,000 से ज्यादा है, एट द रेट 10% बोले तो 2,20,000, आपका टैक्स आ गया 24,20,000। अब आपको हेल्थ एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा एट द रेट 4% बोले तो 96,800। ये टैक्स आपका हो गया 25,16,800। हाँ सर, नाम बताओ। रोशन कुमार शर्मा। इनकम कितनी कमाओगे मिस्टर रोशन? बोलो बोलो बोलो, इनकम कितनी कमाओगे? हाँ पता नहीं क्या होता है, अरे कितनी कमाने की इच्छा है ये बता दो। हाँ 35-15 लाख, मतलब पैकेज 15,00,000। ओके, तो हमारे यहाँ एक सीधा साधा लड़का है रोशन साहब, जिसकी इच्छा है कि उसकी पैकेज हो जाए 15,00,000, तो इन्हें टैक्स कितना देना पड़ेगा? उम्र कितनी है, 60 के ऊपर की 60 के नीचे?
अरे बस वो तो मैंने लिख ही दिया था, 8 × 12 = 500। नेक्स्ट 5 लाख पे 30% बोले तो 8 × 50, सब मिला के 2 × 62 = 500। और इन्हें सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, सरचार्ज से डर के मारे इसने इतनी इनकम कम रख ली, 2 × 62 = 500। और हमारे रोशन जी को सेस देना पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, कितना 10,500। ये हो गया 273। सोच लो साहब, 15 लाख कमाओ दे, 2-73 तो गवर्नमेंट ले लेगी, क्या घर में बचेगा बता। क्लियर? एक चैप्टर मोटा मोटी हो गया, एक चैप्टर मतलब एक चैप्टर का पार्ट हो गया। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल जब तक इतना नहीं पढ़ाओ ना, तब तक फिनिश नहीं होता, ठीक है। अभी इसमें और मिर्च मसाला आएगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा तो हो गया। ये टैक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें पहले थ्योरी रहनी चाहिए दिमाग में। यदि आप भूल गए कि सरचार्ज का रेट क्या था, 9 लाख पे कितना था ध्यान नहीं, 9 करोड़ पे कितना था ध्यान नहीं है, तो आप वैनिश, आपका पेन रुक जाएगा। इट इज नॉट अकाउंटेंसी, ये पहले थ्योरी याद होती है तब ये सम्स होते हैं। आओ पहले थ्योरी लिख लेते हैं हम लोग, हैव द टाइटल, कॉपी में जाइए अच्छे से लिखिए टैक्स रेट, फिर नीचे टाइटल दीजिए टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। चैप्टर का नाम है टैक्स रेट, हेडर है टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो आपको सब आता है, ये लिखना मतलब रिवीजन। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है ये देखना है हमें, वेरी कर देता हूं। इधर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है ये देखना है हमें, और अदर्स के लिए क्या है ये हमें देखना है। वेरी सीनियर सिटीजन के लिए फर्स्ट 5 लाख पे, सीनियर सिटीजन के लिए फर्स्ट 3 लाख पे, और अदर्स के लिए फर्स्ट 2.5 लाख पे, 5 nil। नेक्स्ट 2 लाख पे, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे, नेक्स्ट 3 लाख पे, नेक्स्ट, ये 3 लाख का आंसर जाए यार 20%। और बैलेंस जितनी भी इनकम बचेगी, बैलेंस जितनी भी इनकम बचेगी, बैलेंस जितनी भी इनकम बचेगी 30%। सब साथ में, ये हमारी हो गई टैक्स रेट। इसके लिए हमने लिख लिया यहां पे 10 लाख पे 1 लाख, बैलेंस पे 30। यहां पे हमने कर दिया 10 लाख पे 10, बैलेंस पे 30। और यहां पे हमने कर दिया 10 लाख पे 8 × 500, बैलेंस पे 30। रेज, अरे रेज कर दूं,
अभी भी टॉपिक वही चल रहा है, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। सब टाइटल दीजिए, सरचार्ज, रेट बता दीजिए। फर्स्ट क्या है? अप टू 50 लाख नील, अप टू मोर देन 50 लाख 10%, मोर देन 100 लाख 15%, लो भाई एक पेज में सारा काम हो गया। चलो ठीक आज आपने टैक्स रेट सीख लिया। आज आप घर जाके ऑब्वियसली पापा पूछेंगे क्या सीख के आया। यदि तुम लोग पापा से फ्री हो तो तुम लोग बोलेंगे टैक्स रेट सीख के आए। तो पापा बोलेंगे क्या सीख के आया? बोला इंडिविजुअल का टैक्स रेट कितना होता है, पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%। पापा बोला क्या बोलता है? बोला मतलब यही सिखाया सर ने, सर से बात करो गलत सिखा रहे हैं। बोला क्यों? 5 लाख तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता। नहीं 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता। आप वेरी सीनियर सिटीजन का बात कर रहे हैं पापा, आप भी है ना सीनियर सिटीजन हो गए आप। नहीं, किसी को इंडिया में किसी आदमी को 5 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। हम तुमको न्यूज चैनल दिखा देता है, न्यूज चैनल दिखा दिया यूट्यूब में पिछला, तो दिखाई दे रहा है पहले 5 लाख तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं। तुम्हारे अगली क्लास क्या सर, मिट्टी पलीत कर दिया आपने। पापा त्या झाड़े मेरे तो बात थोड़ी अलग है। तुम्हारे पापा एकदम सही बोल रहे हैं कि पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। और तुम्हारे सर जो पढ़ा रहे वो भी सही है कि 2.5 लाख पे नील और 2.5 लाख पे 5%। अभी डाउट आ रहा है कि ये क्या खेला क्या है? बंगाल में तो सिर्फ खेला ही होता है, खेला क्या है? पहले 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5 सही है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना ये सही है? और समझे क्या है ये? ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ी मतलब समझने लायक बात है कि है क्या ये। अपने सबको पता है जो टैक्स सीखते हैं, और जो टैक्स नहीं सीखते वो इसमें कंफ्यूज है। हमारे यहां एक और टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रिबेट। क्या नाम है? रिबेट। ये रिबेट टॉपिक बोलता है कि जिनकी इनकम 5 लाख तक है, भाई जैसे हमने 50 लाख से ज्यादा वालों से ज्यादा टैक्स ले लिया, नाम दे दिया सरचार्ज, तो जिनकी इनकम बहुत कम है उनको कुछ कम भी ले लो। तो जिनकी इनकम 5 लाख तक है उन्हें हम टैक्स में छूट देते हैं। छूट का नाम है रिबेट, अप टू ₹12,500। तो सपोज मेरी इनकम 4 लाख, तो मेरा टैक्स निकाला जाएगा 2.5 लाख पे नील, 1.5 लाख पे 5%, बोले तो 7,500 मेरा टैक्स आ गया, 7,500।
7500 निकालने के बाद मेरे से पूछा जाएगा कि क्या आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली। मेरे से पूछा जाएगा भारतीय है, मैंने बोला हाँ। भारत में रहते हो? हाँ। वो तब तो आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। हाँ। आपकी इनकम 5 लाख से कम है? हाँ। तब तो आपको रिबेट मिलेगा कितना? अप टू 12,500 मतलब मैक्सिमम 12,500, लेकिन यहां तो इनकम ही 7,500 है, तो रिबेट भी 7,500 ही मिलेगा और आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। टैक्स जीरो है तो सेस भी जीरो, फाइनली टैक्स लाइबिलिटी जीरो। तुम्हारे पापा की बात रह गई, क्या बोले वो? पहले 5 लाख तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, देख लो भैया। ठीक है, अब तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए। आया क्या डाउट? क्या डाउट आया तुम्हारे मन में? डाउट यह आया कि जब 5 लाख तक टैक्स लेना ही नहीं है तो 2.5 लाख पे नील क्यों बोलते हो? सीधा ये बोलो ना, 5 लाख पे नील, ऐसे बोलो। लेकिन सपोज मेरी इनकम 6 लाख है तो मैं से टैक्स लिया जाएगा पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% बोले तो 12,500 और 1 लाख पे 20% 20,000। यही तो है ना? अरे ये तो पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, उसके बाद अप टू 5 लाख तक 20%, तो मेरी इनकम ही 6 लाख है तो 5 लाख ये हो गया 1 लाख पे 20%। हाँ, सबको क्लियर? तो जिनकी इनकम 6 लाख है उनका टैक्स हो गया 32,500। मेरे से पूछा जाएगा मुंद्रा जी आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो? मैं बोला हाँ। आपकी इनकम 5 लाख तक है? नहीं नहीं, मेरी इनकम 6 लाख है, तो फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो मेरा टैक्स हो गया 32,500 और इसमें मुझे सेस देना पड़ेगा 4%। 4% बोले तो? अरे बोले तो 1300, 33,800। दोनों बातें सही है, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता ये भी सही है और 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5 भी सही है। क्योंकि यदि आपकी इनकम जस्ट 5 लाख तक है तब तो आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख से थोड़ी सी भी ज्यादा है तो आपके ऊपर वही स्लैब है। क्या? 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। तो मेरी इनकम 6 लाख थी तो मेरे को रिबेट कुछ नहीं मिला, रिबेट का नाम ही नहीं आया, मतलब मेरे ऊपर पूरा 32,500 टैक्स हो गया। यानी 12,500 की छूट सबको नहीं है, सिर्फ उन्हीं को है जो एकदम गरीब है, जिनकी इनकम गरीब मतलब जिनकी इनकम 5 लाख तक है। ठीक है, रिबेट क्लियर? तो रिबेट इज एप्लीकेबल टू होम? रेसिडेंट इंडिविजुअल। कंडीशन, उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। तीसरा, रिबेट मिलेगा अप टू 12,500। रिबेट पहले लगेगा, सेस बाद में आएगा। रिबेट पहले मिला, सेस बाद में आया, यानी रिबेट सेस से पहले होता है। हियर इज द रिबेट, रिबेट सेस से पहले होता है। हाँ, पता, कॉपी करिए रिबेट। अच्छा एक बात सुनो, मैं रिबेट को रिबेट नहीं बोलता, मेरी इंग्लिश खराब है, मैं रिबेट को राइबेट बोलता हूं। पूछो क्यों? ताकि मुझे याद रहे कि रिबेट इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, ताकि मुझे याद रहे कि एजुकेशन सेस लास्ट में आता है ना। रिबेट को मैं क्या बोलता हूं? राइबेट, ताकि मुझे याद रहे रेसिडेंट इंडिविजुअल। मेरा सिर्फ टैक्स अच्छा है, बात बाकी सब खराब है, इंग्लिश भी खराब है। देख, मैं रिबेट को राइबेट बोलता हूं, रेसिडेंट इंडिविजुअल और ई लास्ट में आता है, एजुकेशन सेस लास्ट में आता है। कॉपी करिए, रिबेट का सेक्शन है, सेक्शन 87A। सेक्शन याद होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप याद कराऊंगा।
यानी यदि कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 3 लाख है तो कितना टैक्स, 5 लाख है तो कितना टैक्स, 7 लाख है तो कितना टैक्स, 30 लाख है तो कितना टैक्स, और 300 लाख है तो कितना टैक्स। लेट्स वर्क आउट ऑन दिस। नहीं नहीं कुछ लिखना कुछ नहीं है दादा, सुनो ना दादा, मत लिखो, आराम से देखो। आपकी कॉपी में मैं उतना ही डालूंगा जितना आपको एग्जाम्स में चाहिए। मैं जितना पढ़ाऊंगा सब कॉपी में डाल लोगे तो एग्जाम्स में इतनी मोटी कॉपी हो जाएगी, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। ये तो मैं करा चुका हूँ, कितनी बार करा चुका हूँ, ये तो एक्सरसाइज है बार 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 बार। हाँ, जिनकी इनकम 3 लाख है तो सब सबकी एज वही है 32, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। बताओ टैक्स बताओ, 2.5 लाख पे नल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे, नहीं नेक्स्ट 2.5 लाख क्या है, 50,000 पे टैक्स हो गया 5%, बोले तो 2,500, ठीक है। इनका टैक्स आ गया, टैक्स लाइबिलिटी 2,500, इन्हें रिबेट मिलेगा यस 2,500 का। इनका इनका टैक्स आ गया 0, हेल्थ एंड एजुकेशन से 0, और फाइनली टैक्स लाइबिलिटी आ गया 0। बात खत्म। जिनकी इनकम 5 लाख है उनका भी 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 12,500, इनका भी टैक्स आया 12,500, इन्हें रिबेट मिलेगा 12,500, 0,0,0। यहाँ तक सब साथ में। जिनकी इनकम 7 लाख है उन्हें पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500, नेक्स्ट 2 लाख पे 20%, बोले तो 40,000, 52,500 सरचार्ज लगेगा क्या, नहीं तो 52,500 ही हुआ। रिबेट लगेगा क्या, रिबेट लगेगा क्या, नहीं तो वही 52,500 ही रह गया। और सेस लगेगा क्या, 4%, बोले तो 2,100, 54,600। सब साथ में हो। जिनकी इनकम 30 लाख या पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% 1 लाख, और बैलेंस 20 लाख पे 30%, 7,12,500 सरचार्ज लगेगा क्या, नील, 7,12,500 रिबेट लगेगा क्या, नील, 7,12,500, और सेस लगेगा क्या, यस 28,500, 7,41,000। सब साथ में हो क्या। जिनकी इनकम 3 करोड़ है पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 1 लाख, बैलेंस 290 पे 30%, 290 पे 30% हो गया 89,70,000, 87 लाख, पक्का 87 लाख, ये हो गया 88,12,500 सरचार्ज लगेगा क्या, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 25%, पक्का सरचार्ज। जिनकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है उनको पर सरचार्ज है 25%, 5 करोड़ से ज्यादा होती तो 37%, तो इनकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है तो 25%, इसका 25% हो गया 1:5, ये सही है ना, तो फाइनली हो गया, ठीक है। अरे हाँ बोलो यार, रिबेट विबेट है नहीं, 1,10,15,000 क्या, ठीक है 625। अब सेस लगेगा क्या, रिबेट तो नहीं लगेगा, सेस लगेगा यस, बताओ भैया सेस कितना हो गया, श्योर 625 पे 4% वापस 625 आया, ठीक है, तो अच्छा तो आया, बोल भी दो ठाकुर,
1,14,56,250 1,14,56,250 रिपीटेशंस हुआ, कौन सब सब अपनी अपनी जगह बैठा हुआ है, कहीं हिला नहीं। मैथमेटिक्स छोड़ो, बात बात ही कॉन्सेप्ट एकदम अपनी जगह बैठा हुआ है, मैथ्स नहीं हो रहा छोड़ो ना। जब 6, 7, 8, 9, 10 में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, है ना। मैथ्स में अच्छे होते तो साइंस नहीं ले लेते हम लोग, समझ सकता। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, टैक्स में छोटी छोटी बातें ही तो है, और है क्या। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, यदि मेरा टैक्स 3,626 रुपए 25 पैसे आ रहा है, तो वैसे तो हमारे देश में सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है, तो 3,626 रुपए 25 पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लॉ बहुत पुराना है, उस समय ऑनलाइन नहीं था, उस समय कैश देना पड़ता था। तो सरकार ने बोला यार ये 25 पैसे बहुत छोटा का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इन्होंने इसे राउंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट में रहा। यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो भी आ रही है वो नियरेस्ट 10 में राउंडेड ऑफ हो जाएगी, नियरेस्ट 10 रुपी में राउंडेड ऑफ हो जाएगी। तो यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 33,628 रुपीज है, तो हम इसको बोलेंगे 33,630। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 33,622 है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज 33,620, नियरेस्ट 10 में राउंडेड ऑफ हो जाएगी। और यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 33,625 है, तो ध्यान रखिएगा 5 रुपए या 5 रुपए से ज्यादा होने पे नेक्स्ट 10 रुपीज में राउंडेड ऑफ देना है। 5 रुपए या 5 रुपए से ज्यादा होने पे नेक्स्ट 10 रुपीज में राउंडेड ऑफ करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 33,630 याद रहेगा। टोटल इनकम को भी ऐसे ही राउंडेड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में, और टैक्स लायबिलिटी को भी ऐसे ही राउंडेड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में। ये राउंडिंग ऑफ का कल्चर हर तरफ है। जीएसटी में भी टैक्स नियरेस्ट 1 रुपए में राउंडेड ऑफ होता है, इनकम टैक्स में टैक्स नियरेस्ट 10 रुपी में राउंडेड ऑफ होता है, ठीक है, नोट कर लो। राउंडिंग ऑफ, हैव द टाइटल राउंडिंग ऑफ। टोटल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ, टोटल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज 10, सेम लाइन रिपीट कर दो। इस बार टोटल इनकम की जगह टैक्स लायबिलिटी बोलो। टैक्स लायबिलिटी शैल बी राउंडेड ऑफ to the nearest multiple of rupee 10. Tax liability shall be rounded off to the nearest multiple of rupee 10. आप बोलो क्या होगा, ये बोलना चाह रहे थे सपोज यदि टोटल इनकम 33,000, टैक्स लायबिलिटी 33,625.50 पैसे होता तो क्या करते, लास्ट में 30 करते। जब 25 को मैंने 30 कर दिया तो ये तो 25 से ज्यादा है, 25 रुपए 50 पैसे है, इसको भी 30 में लाऊंगा। बोले क्यों नहीं सज्जन, यदि आपकी इनकम 33,625 रुपीज 10 पैसे होगा, तब भी हम करेगा 33,625 रुपीज, नहीं नहीं 630 रुपीज, 25 होते ही तो 30 कर दूंगा, 25 टका 10 पैसा तो बेसी हो गए, खूब बेसी हो गए भाई, 25 टका होते ही हमें 30 कर दी, बुझे चेन। आगे बढ़े, सर समझ लो आपको पढ़ाई को फन लेना पड़ेगा,
जहां आपने पढ़ाई को पढ़ाई ले लिया वहां आपसे होना नहीं है ये सब। कोई आदमी 10 घंटे पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं। कोई आदमी 10 घंटे फन कर सकता है? हाँ। द ओनली सोल्यूशन, पढ़ाई को फन में कन्वर्ट करो। और बहुत रेयर मौका मिलेगा ऐसा। और जिस दिन आपने पढ़ाई को फन में कन्वर्ट कर दिया उस दिन आप कोई भी एग्जाम पास कर लोगे, मुन्ना भाई MBBS हो जाएगा। और यदि पढ़ाई को फन नहीं कर पाए ना तो आपके लाइफ के गोल्डन एज के 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। यू नो गोल्डन एज, इस समय आप क्या क्या कर सकते थे। ट्राई टू कन्वर्ट पढ़ाई इंटू फन, ट्राई टू कन्वर्ट पढ़ाई इंटू फन। पढ़ाई मस्ती है, पढ़ाई इंजॉय है। हम लोग 16-16 घंटा पढ़े हैं क्योंकि हम लोग बिना ट्यूशन से पढ़ते, ऑफिस जाते, 3 महीने लास्ट में छुट्टी मिलती, टूट पढ़ते 16-16 घंटा। मतलब क्या करता है, क्या करता है, क्या पढ़ाई करता है और क्या करता है 16-16 घंटे। अभी भी तुमको लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम तो इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, यू शुड फील इट। आपने सीख लिया स्लैब रेट, आपने सीख लिया सरचार्ज, आपने सीख लिया हेल्थ एजुकेशन सेस, आपने सीख लिया रिबेट, आपने सीख लिया राउंडिंग ऑफ। इतना आपने सीख लिया। नाउ वी शुड हैव अ पॉज। पॉज मतलब रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं। अब आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, आपके सर बोल रहे हैं ये टॉपिक फिनिश हो गया बच्चों। डू यू फील यू आर चैंप इन दिस टॉपिक? मतलब तुम्हें लगता है यह समय सब आता है? और यदि तुम्हें कुछ नहीं आता तो पूछ लो, मेरी तरफ से ये टॉपिक हो गया। टेक योर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, सांस ले लो गहरी गहरी सांसें, और उसके बाद सोचो कि इसमें तुम्हें क्या नहीं आता। क्लाइंट तुमसे क्या पूछ सकता है सोचो। तुम यदि टीचर बन गए तो तुमसे स्टूडेंट क्या पूछ सकते हैं सोचो। क्वेश्चन रेज करो दिमाग में, फ्रेम क्वेश्चंस। जितना दिमाग में क्वेश्चंस बन रहे उतना दिमाग तेज हो रहा है। क्वेश्चंस नहीं बन रहे मतलब दिमाग डब्बा है, उसको जगाना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट होता क्या, मैंने ये नहीं बताया तुम्हें अभी तक। देखिए नॉन रेसिडेंट का टैक्स रेट अलग नहीं होता, नॉन रेसिडेंट का भी टैक्स रेट यही होता है, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। बस ध्यान रखना नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन कभी नहीं होता, नॉन रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन कभी नहीं होता। क्योंकि सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन ही है रेसिडेंट हुज एज इज मोर देन 60 ईयर्स। तो नॉन रेसिडेंट कैन नेवर बी अ सीनियर सिटीजन, भले उसकी उम्र 80 साल भी क्यों ना हो जाए, उसको पे वही लगेगा क्या, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। चलो और बोलो। हाँ आया बच्ची, पूछी देखा, अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। क्या माइनर को भी टैक्स देना पड़ता है? एक छोटी सी बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है। हाँ, अरे चमत लाओ आंखों में, क्या ऐसे बना तो मुंद्रा जी आप। अब देखो इतनी प्यारी बच्ची आई है। अब ये छोटी सी बच्ची है जो इतनी प्यारी है कि इसको टीवी वाले उठा के ले जाए, बोले इससे हम लोग मॉडलिंग कराएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे टीवी में एक्ट्रेस, ये हमारे होस्ट करेगी, हमारी एंकरिंग करेगी ये लड़की। और इसको टीवी वाले पेमेंट करते हैं करीबन 40 लाख रुपए एंकरिंग करने का। तो बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या इतना क्रूर है, क्या इतना क्रूर है कि इस छोटी सी मासूम बच्ची से टैक्स लेगा? क्या लगता है? लेगा, लेगा। आपको क्या लगता है, तो प्रोविजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बच्चियों को छूट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं, लो सबसे टैक्स लो। आप इतनी उम्र वालों को तो छूट देते थे, 80 साल के ऊपर उसको छूट दो, इस छोटी बच्ची को भी छूट दो। नहीं, नहीं लेना चाहिए। देख कोमल हृदय बोला नहीं लेना चाहिए। हाँ तो इससे भी थोड़ा कम तो लो, है ना, देना चाहिए ना। एंड आंसर इज माइनर हो या मेजर हो सब पे टैक्स लगेगा।
हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ इनकम देता है और कुछ नहीं देता। इनकम देते टैक्स ला देगा। अब तुम्हारे मन में आया कि ऐसा क्यों सर, ये तो गलत बात है ना। यदि ऐसा नहीं करते ना तो तुम्हें मालूम पड़ता कि दुनिया के सारे माइनर करोड़पति हो गए। कैसे, मैं बताता हूँ। ट्यूशन सेंटर चला रहा हूँ, हाँ इनकम हो रही है, हाँ मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, सपोज माइनर पे टैक्स नहीं है, हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, मुंद्रा जी टैक्स दीजिए। मैंने बोला कौन सा टैक्स? बोला इनकम टैक्स। क्यों, काहे दूँ? अरे पैसा कमाते हो। कौन बोला पैसा कमाता हूँ? गरीब हूँ, अनएम्प्लॉयड। मोदी किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया है जो मेरे को देगा? मोदी को बोला हम देखो सीए बनकर भी अनएम्प्लॉयड बैठा है, देखो एक पैसा का जॉब नहीं है। मोदी को बोला आया है ना बंगाल, मोदी को बोला हमको पैसा दो, हमको सैलरी दो, हमको जॉब दो, हम अनएम्प्लॉयड है। तो ये इतना सारा धंधा पानी कौन है, ये कौन चलाता है? ये तो मेरी गुड़िया पढ़ाती है आपके, ये तो मेरी छोटी सी गुड़िया है, उसको पढ़ाना आता है, वो पढ़ाती है, उसको शौक है पढ़ाने का। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेट थोड़ी मारी जाती, क्लास में आते देखेगा कौन पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। तब तो दुनिया का सारा धंधा बच्चे ही करेंगे, साड़ी की दुकान चलती है अपनी, कौन बेचता है? गुड़िया। दुकान का नाम है माइनर साड़ी दुकान, चंपी की साड़ी दुकान, टिंकू की साड़ी की दुकान, बबली की साड़ी की दुकान, बबलू की साड़ी की दुकान, ऐसे नाम होंगे। पकड़ ही नहीं पाएंगे आप, जो बोलेगा वही बोलेगा माइनर कमा रहा है। इसलिए फाइनली लॉ ने बोल दिया भैया माइनर हो या मेजर हो, इनकम पे हम लोग देखेंगे, इनकम है तो टैक्स। इसके बाद माइनर के ऊपर आप और बाद में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में क्लबिंग। अभी एक बार यहीं पे स्टॉप करो कि माइनर को भी टैक्स देना पड़ता है। क्लबिंग ऑफ इनकम में आप जाते पढ़ेंगे कि माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाती है, वो दूसरी बात है, वो अपने बाद में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन कोई बोलते हैं कि माइनर टैक्स देना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस। क्या रेट है? वही 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। ठीक है, और कोई क्वेश्चन लाओ सर। कोई बात नहीं, क्वेश्चन रेज करना बहुत जरूरी है, खास करके टैक्स में और लॉ में। जब आप लॉ या टैक्स पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना आपके सामने से वर्ड्स जा रहे हैं, उस वर्ड्स का यदि आपको मतलब नहीं पता तो आप पूछते जाइए। आप शर्माइए मत कि मैं क्या पूछ रहा हूं, इंग्लिश मुझे नहीं आती क्या? आपको जो जो वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा अपने सर से पूछते जाइए। बहुत शर्म आती है तो व्हाट्सएप में पूछिए, और शर्माना तो छोड़ ही दीजिए, क्लास में पूछिए, बिंदास पूछिए। व्हाट्सएप में तो वीडियो वाले पूछते ही है, आप क्लास में पूछिए। आपके सामने से एक वर्ड दिया सिस, आपने पूछा नहीं कि वाई दिस वर्ड। यदि लॉ में चैंप बनना है, देखो टैक्स एंड लॉ इज द गेम ऑफ वर्ड, इज द गेम ऑफ वर्ड्स। जिसको लिटरेचर आता है, इंग्लिश आती है, पढ़ना आता है, जो वर्ड्स को बिना समझे छोड़ता नहीं है, वो टैक्स में ठीक होता है। मेरे सारे घर वाले बोलते हैं मुंद्रा जी आप बात बहुत पकड़ते हो, मतलब बोलो कुछ सेंटेंस बोल दिया हमको, कोई थोड़ा वर्ड थोड़ा 19 लग गया तो हम बोल दे रहे ये क्यों बोला आपने। ये मेरे हैबिट में हो गया है, क्योंकि हम लोग वर्ड को ही लेके चलते हैं। कोई वर्ड सामने से जाता है समझ में नहीं आता तो पूछ लेते ये वर्ड का मतलब क्या हुआ। इवन इतना बुरा आदत हो गया, मारवाड़ी मम्मी लोग बोलती है घर में कोई वर्ड नहीं समझ में आता, पूछ लेता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। बंगाली में भी नहीं समझ में आता तो स्टूडेंट से नाम का मतलब पूछता हूँ, थोड़े दिन बाद तुम लोग से भी पूछूंगा। कोई ऑड नेम सामने आने दो, मैं पूछूंगा इस नाम का मतलब बताओ मुझे। आई एम सो पर्टिकुलर कि मुझे नाम या कोई भी वर्ड सामने से जाएगा तो आई मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द सेम। ठीक है, तो मैं ऐसे ही मतलब बहुत देर से पढ़ रहे इसलिए ब्रेक लेते अपने। मेरे एक स्टूडेंट की शादी हो रही थी, तो उसने आजकल तो शादी में एक व्हाट्सएप वीडियो बन के आता है ना इंट्रो में, आजकल तो वही इन्विटेशन है, जाना है तो जाओ नहीं तो वही इन्विटेशन है। तो मेरे पास भी सुबह सुबह आ गया, मैं यहाँ से गिरिस पास जा रहा था, गाड़ी में पीछे बैठा था, खाली बैठा था, व्हाट्सएप आया, मैंने चला लिया, सुना, गाना बजा, उसमें इनविटेशन का फोटो वोटो आ रहा था, लड़के का लड़की का दुल्हन का दूल्हे का आ रहा था। ठीक है, गाना बजा, गाना सुना, कहने को जिसने बहारा है इसलिए देख के हैरा है, बहुत सुंदर गाना, नहीं मस्त है, नहीं हाँ डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग। मैंने हाथों हाथ दूल्हे को फोन में लाया, मतलब बाबू इस गाने का मतलब पता है?
बोले सर गाना अच्छा लगा, म्यूजिक बहुत साउंड है, मतलब बहुत प्यारी म्यूजिक है डाल दिया। बोले डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग? नहीं सर, ध्यान से नहीं सुना। बोले इसका मतलब है कहने को जिसने बहारा है, मतलब अभी बोलने के लिए इतना अच्छा माहौल है, इसलिए देख के हैरा है, इस तो हैरान है। फूल से खुशबू जुदा जुदा है चिलमन में, मतलब खाली बोलने को शादी हो रही है, असल में शादी नहीं हुई है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग, यू नो दिस। मूवी में वीडियो देख ले समझ में आ जाएगा, पिक्चराइजेशन भी वैसा ही है, हीरो अलग घूम रहा है, हीरोइन अलग घूम रही है। तो डू यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ मैरिज? अरे लाइन कार्ड के जब तक क्लास एंड करके आया तब तक नया वीडियो आ गया। मीनिंग ऑफ द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग उसी का खाते हैं। हमारे सामने कोई इनकम टैक्स से नोटिस आती है, हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं, समझते हैं उसका अर्थ क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, यही हमारा धंधा है भाई। तो मैंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर दिया, मेरा धंधा ही यही है, ठीक है ना। जब कोई पंजाबी गाने बजते हैं या कुछ उर्दू टाइप के गाने बजते हैं समझ में नहीं आते, तो मैं बोलता हूँ गाना ही नहीं अच्छा लगा मुझे, तो मतलब ही नहीं समझ में आया। बिकॉज मेरे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है? और खास करके मतलब ये है कि देखो सर, आपने टैक्स बताया समझ में आता है, आपने सरचार्ज बताया मतलब समझ में आ गया, सुपर टैक्स आपने बोला था, सुपर टैक्स, टैक्स पे टैक्स, बहुत सुपर इंसान हो, बहुत सुपर इनकम है, तो चलो सुपर टैक्स भी दो, ये क्लियर है। सिस का मतलब क्या होता है? आपके सामने से वर्ड निकल गया, आपने पकड़ा नहीं, ये गलत बात है। आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसको भी टैक्स ही बोलिए ना, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। व्हाई आर यू यूजिंग अ डिफरेंट टर्म? एनी वन ऑफ यू? सेस का मतलब एक्स्ट्रा। ओके, तो देखो सेस का मतलब होता है, सेस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टैक्स। इस टैक्स का मतलब ये होता है, जब भी किसी टैक्स की जगह वर्ड सेस यूज होता है तो उसके बाजू में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको। कारगिल सेस, गुजरात अर्थक्वेक सेस, एजुकेशन सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस, कुछ ना कुछ आपको उसके बाजू में लिखना पड़ेगा। और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टैक्स का पैसा हमेशा इसी काम में यूज होगा और किसी काम में यूज नहीं होगा। तो दिस इज स्पेशल टैक्स विच शैल बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। जैसे सपोज मेरी इनकम 50 लाख, मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं 10 लाख पे 1/12 500, 40 लाख पे 30% 12 लाख, 13,12,500 और सेस लग जाता है इसके ऊपर 52,500। इतना मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। हाँ, गवर्नमेंट ये 13,12,500 चाहे जिस काम में यूज करे, इसको एग्रीकल्चर किसानों को बांट दे, इसे बिजली में खर्च कर दे, इससे रोड बनवा दे, इससे डिफेंस कर दे, इससे लॉ एंड ऑर्डर सेट कर दे, इससे राम मंदिर बनवा दे, इससे फलाना मस्जिद बना दे, इससे फलाना चर्च बना दे, मेरा कोई हक नहीं है बोलने का। ये 13,12,500 मुझे गवर्नमेंट को देना है जो देना है, गवर्नमेंट को जो बनाना है बनाओ, दे आर डिसीजंस। लेकिन ये 52,500, ये 52,500 को गवर्नमेंट इज बाउंड टू यूज ओनली फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 52,500 सिर्फ एंड सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन में ही यूज होगा, क्योंकि इसका नाम है हेल्थ एजुकेशन सेस। बात क्लियर? एग्जाम में पूछेगा नहीं, परंतु मैं एग्जाम के लिए कहां पढ़ाता हूं, मैं तो शौक से पढ़ाता हूं। क्लियर? ओके सर, हमारा यही ब्रेक है, हम लोग ऐसे ही ब्रेक लेते हैं बस, जिसमें पढ़ाई की बातें होती है। नई बात समझो, टॉपिक क्या चल रहा था, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। टैक्स तुम लोग के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, तुमने अभी बीकॉम फिकॉम में कहीं पढ़ा भी हो तो उसका कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। टैक्स वास्तव में यहां से शुरू हुआ, इस चार दीवारी से तुम्हारा टैक्स शुरू हुआ। तुम फाइनल में भी जाओगे तब भी ये चार दीवारी याद रहोगे कि यहां से मेरा टैक्स बिल्ड हुआ।
मेरे जो बच्चे सीए की प्रैक्टिस करने लग गए, टैक्स के प्रोफेशनल बन गए, आज की डेट में मेरे से ज्यादा टैक्स जानते हैं, वो भी इस चार दीवारी को जानते हैं कि टैक्स यहीं से शुरू हुआ था। टैक्स सब्जेक्ट की खासियत है, या समझ लो सारे सब्जेक्ट की खासियत होती होगी, लेकिन टैक्स ही तो पक्की है कि आपको जब टीचर पढ़ाता है ना, तो आपको लगता है सब समझ में आ रहा है। लॉ याद करा दिए, यस लॉ याद करा दिया, सर ने 17 बार बोला है क्लास में, डायलॉग पे नेल, डायलॉग पे पास, एकदम याद हो गया, आत्मा में बैठ गया। रात के 2 बजे भी तुम्हें उठाया था, तुम बोल देगा टैक्स रेट डायलॉग पे नेल, डायलॉग पे पास, 5 लाख पे 20 बैलेंस होता है, राइट। लेकिन जब एप्लीकेशन आएगा तो वेदर यू विल बी एबल टू डू और नॉट, एकदम अलग बात हो जाती है। ये अपना ब्रेन, हाँ, इधर मैंने तुम्हारा टैक्स रेट भर दिया है, एकदम ठसा ठस भरा हुआ है, मस्त ऐसे 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 जल रहा है, टक 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 टक, क्या बोलते उसने, ऐसे बुलबुला ले रहा है, ऐसे बहुत ही ग्लोइंग है वो, आता है मुझे, आता है टैक्स रेट, आता है आता है आता है। जब एक सम आएगा ना, तो यहां से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन में कई बार ब्रेकेज आ जाता है, आता है मुझे परंतु अप्लाई नहीं होता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी नीड टू ओवरकम दिस। आना अलग चीज है, अप्लाई करना अलग चीज है। आता है बोल नहीं पाते, आता है अप्लाई नहीं हुआ, आता है अप्लाई नहीं हुआ। जैसे जैसे तुम जिम में जाओ, एक से एक सांड शरीर वाले नजर आएंगे, और राक्षस जैसे, और जब वो राक्षस जैसे सड़क पे चलेंगे, तो हो सकता है दुबला पतला लड़का उसको खींच के मार दिया और वो मार नहीं पाया, वो ऐसे ऐसे धक्का दे रहा, धक्का दे रहा, वो तुमको मार दिया, तुम देना खींच के दौड़ो, वो मार नहीं पाएगा। अलग चीज है और मारना एक अलग चीज है, एकदम अलग आर्ट है, एकदम अलग आर्ट है, हाँ या ना। गली के पतले पतले लड़के कटाकट कटाकट देते हैं, कटाकट एकदम खींचते, और जिम जाने वाले चौड़े चौड़े लोग ऐसे धक्का देते हुए नजर आते, अभी मत रहा, मत रहा, उसको चोट नहीं लग रहा है, पक्का मजबूत है इसलिए चोट नहीं लग रहा है, लेकिन वो खींच के मारे वैसा उसमें दम नहीं है, अलग आर्ट है। पावर होना और पावर निकालना अलग बात है, गेट इन, एकदम वही डिफरेंस है नॉलेज होना और नॉलेज अप्लाई करने में, ह्यूज डिफरेंस। आई गिव यू डेमोंस्ट्रेशन, एक एमसीक्यू खेलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिबेट इज नॉट अवेलेबल टू, रेसिडेंट इज इट 32 years, रेसिडेंट इज इट 42 years, 62 years, resident is it 82 years, none of the above, louder, fast, itna aasan question pucha, none of the above, and answer it, kyun, kyunki jiski age 82 years upar hai उसको तो 5 लाख पे टैक्स ऐसे ही नहीं लेना, हाँ बोलो, उसका तो टैक्स ही आता है 5 लाख के बाद, और 5 लाख के बाद रिबेट नहीं मिलता, यानी रिबेट वाला प्रोविजन इसके लिए इफेक्टिव है, इसके लिए भी कुछ है, इसके लिए मायने नहीं रखता रिबेट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना नॉलेज का एप्लीकेशन में, इसको पर हमेशा ध्यान रखना, इसको पर कोई टीचर वर्कआउट नहीं करेगा, मैं भी उतना वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, हम लोग पढ़ाने में बिजी रहते हैं, और थोड़ा सा जल्दी मचा देंगे तो बस इसका तो नंबर ही नहीं आएगा, सिलेबस इतना अनगिनत है। देखो ना, टैक्स रेट एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो वीडियो में मेरा यदि डेमोंस्ट्रेशन देख रहा होगा तो बोले इतना देर से टैक्स रेट पढ़ा रहा है, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में बता दो डायलॉग पे नील डायलॉग क्या, तो इसमें क्या खींच रहा है, इतना ह्यूज सिलेबस है, तो इसका नंबर ही नहीं आता एप्लीकेशन कराने में।
सम्स भी हम लोग देते तो खुद ही कर देते यार, टाइम जल्दी हो जाएगा, बच्चे को समझ में भी आ जाएगा, परंतु ये इसके बिना तो काम नहीं होता। कौन सी चीज? नॉलेज होना और नॉलेज अप्लाई करना। जिम जाने से कुछ नहीं होगा, थप्पड़ मारना शुरू कर, बेटर है। और जिम जाते थप्पड़ मार रहा है तो सुपर है, ये तो तू पहलवान है, एकदम मस्त इंसान है। हाँ बात लिया। तो सर बीच बीच में दिमाग चला लेना। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं कैसे हो जाए। जैसे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये जो मैंने बात बताई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? हर टीचर तुम्हें समय देता है, कोई भी टीचर हो, वो 3 मिनट तुम्हें टाइम देगा, सम देगा, फिर बोले बच्चों लो बनाओ, 3 मिनट देगा। उस 3 मिनट में बात बात ये बच्चे, उसको पता है सर तो बनाएंगे, सम पढ़ता रहेगा 3 बार 4 बार। बस ये टाइम वेस्ट मत करना। ये जो सर तुम्हें 3 मिनट दिए ना बनाने के लिए, तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम है। तुम समझ लेना कि ये सबसे वैल्यूएबल टाइम यही है जो सर ने मुझे करने के लिए दिया है। यदि मैंने ये टाइम खो दी तो मेरा एग्जाम्स में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। उस 3 मिनट में सर को बना के हड़का के देना है कि सर मैंने बना दिया। अच्छा नहीं बन रहा है 3 मिनट में, 3 मिनट में बनता है क्या? ऐसे बोल रहे हो आप, जितना बनता उतना बना, लेकिन बना। उस 3 मिनट में पूरी जोर लगा। सर ने कोई सम पूछा, उसके बाद बोला बोलिए, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उस समय आपने नहीं बोला तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्लास कर रहे हो। क्लास करना अलग बात है, पढ़ाई करना अलग बात है। सर आप बहुत ध्यान देते हो, अरे मैं बहुत चाहता हूं कि तुम पास हो जाए। चलो सारे ब्रेक ओवर, वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टैक्स रेट ऑफ HUF। आराम से करेंगे अपने। सर HUF का नाम सुना है? हाँ हाँ, होता क्या मुझे बताओ HUF? एनी वन ऑफ यू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो क्या होती है फैमिली? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब फैमिली। तो क्या तुम्हारे पास HUF है? है? नाम बताओ अपने HUF का। देहा ओरिजिन इंडिया लो, तो सभी के पास फैमिली है, सभी बिलोंग टू सेम फैमिली है, क्या सबके पास HUF है? कोई बिजनेस है जो सारे फैमिली मेंबर्स मिलके कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं HUF, इज इट सो? ये बोल रहे हैं कोई बिजनेस है जो सारे फैमिली मेंबर मिलके कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं HUF, क्या ऐसा ही पुराना बिजनेस चलते आ रहा है? वो डिमिंद पुराना बिजनेस चलते आ रहा है, मतलब कितने साल पुराना? दादा परदादा वाला होना चाहिए, इज इट सो? ये बोल रहा जरूरी नहीं है, कंफ्यूजन है, बोलता जरूरी है। ये बोल रहे दादा परदादा, बोलता दादा परदादा जरूरी नहीं है, हो सकता है हम ही एक HUF स्टार्ट करें। अरे भैया ये मेरा फोन बहुत डिस्टर्ब करता है ना। हाँ तो बताओ फाइनली क्या हुआ? डीड बनाना पड़ेगा। कैसा डीड? एक मिनट बता, दो दो मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत की, लाइव क्लास के बच्चों ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बोला HUF या तो कोई बहुत पुराना बिजनेस हो, दादा परदादा का बिजनेस हो तो वो HUF बनता है, आई डोंट नो वाई और हाउ। और फिर मैंने पूछा दादा परदादा के बिजनेस था ही नहीं, वो लोग जॉब में थे, मैं बिजनेस शुरू किया तो क्या मेरा HUF बनेगा नहीं? मेरे पोतों का HUF बनेगा क्या सीधा? तो इन्होंने बोला नहीं, फिर डीड बनाना पड़ेगा। अब मैं वही पूछ रहा हूँ ये क्या है मुझे बताओ थोड़ा। तो बच्चे हैं थोड़ा डिफाइन ढंग से नहीं कर पा रहे, लेकिन नॉलेज है। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना वो HUF है कि नहीं है। HUF मतलब फैमिली बिजनेस। ओके
नाम बताओ सज्जन। सुमन। सुमन तो मेरी वाइफ का नाम है। इस नाम से मैं तो डर लगता है सर, नाम बताओ। हाँ ऋषभ। ओके ये वही वाला ऋषभ है ना। ओके डू यू राइट लाइक दिस? मतलब पता है मतलब ऋषभ? हाँ बता क्या? बुलबुल सांड। ऋषभ मतलब सांड। अच्छा ठीक है, मैं भी ऋषभ कर सर्च लेते बताऊंगा। तो हमारे यहाँ एक भाई साहब है ऋषभ, ठीक है। इनके पापा जी की कहानी चल रही है। कहानी है 1976 की, जब इनके पापा जी काफी यंग है और धंधा करने के लिए गांव से कलकत्ता शहर में आए। और हम लोग सभी दादा परदादा लोग ऐसी कहानियां हमें सुनाते हैं कि हम लोग शहर आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, खाने को रुपये नहीं थे। फिर इनके पापा जी के साथ भी ऐसी स्टोरी है कि वो शहर आए, कोई बिजनेस नहीं था, तो वो एक साड़ी की दुकान से 20 साड़ी लेके आए और गठरी मात यहाँ पर रख के और फिर घर घर में जाके साड़ियाँ बेची। ऐसे करके थोड़े पैसे इकट्ठे हुए तो 20 जगह 50 साड़ियाँ उठानी शुरू की। 50 साड़ी जा जाके गाँव गाँव मतलब बिल्डिंग में जा जाके बेची, फिर 200, फिर 500, ऐसे फिर धंधा बढ़ते बढ़ते फिर थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए 5-6 सालों में, तो एक दुकान ले ली और फिर दुकान से धंधा शुरू हो गया। फिर ईमानदार आदमी मेहनती आदमी धंधा करना आता है, तो फिर और धंधा करते करते 5 सालों में एक बड़ा शोरूम ले लिया। तो 1990 तक इनके पास अपना एक शोरूम हो गया। 2000 में बड़े भाई साहब आ जाए, ऋषभ के बड़े भैया बिग ब्रो, ये भाई साहब भी दुकान ज्वाइन कर लिया 2000 में। अब दो हो गए, इससे बड़े दो साइनर्जी लगी, तो इन्होंने बहुत सारी फ्रेंचाइज खोल ली। अब इनकी कलकत्ता में 4-5 जगह बड़े बड़े शोरूम हैं, ठीक है। फिर 2018 तक हमारा ऋषभ आ गया, ऋषभ भी बड़ा हो गया, ये भी आ गया, अब 2 से भले 3। अब इनका तो कलकत्ता के बाहर भी बहुत सारे काउंटर्स खुल रहे हैं, करोड़ों का धंधा है, बहुत पैसे कमाते हैं। कौन कौन? ऋषभ के पापा, ऋषभ के बड़े भैया और ऋषभ, तीन जन का एक फैमिली बिजनेस है और तीनों बहुत पैसे कमा रहे हैं। 2021 ऋषभ की शादी हो गई, बड़े भैया की पहले ही हो गई थी, ऋषभ की शादी हो गई 2020। 2021 आज ऋषभ ऑफिस से जल्दी आ गया घर, घर आके फटाफट फटाफट अपना काम सलटाया, लैपटॉप लैपटॉप खोला जल्दी से, तड़ातक काम कर रहा है। मम्मी बोली क्या बात है जल्दी आ जा, बोले डिस्टर्ब मत करो काम कर रहा है। 3-4 घंटे लैपटॉप में पता नहीं टच 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 एक्सेल शीट में पता नहीं क्या कर रहा है। 8 बजे पापा लोग भी आए, पापा बड़े भैया आए, अपना काम करो, पापा आके बैठो 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 बैठो। अरे क्या हुआ? बैठो काम है। अरे अभी तो काम से आए, बैठने दो यार, चाय वाय पीने दो। नहीं बैठो बैठो पहले काम। लैपटॉप घुमाया, देखिए अपने पास अब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है। वाह अच्छा कैलकुलेशन किया, देखा क्या क्या है। अरे वाह बढ़िया। हाँ तो अब चाय पी ले? नहीं नहीं सुनो पहले पूरी बात सुनो, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है और आपकी बीवी से मेरी बीवी की पटरी नहीं खाती। पापा तो बोल रहा है आपकी बीवी से मेरी बीवी की पटरी नहीं खाती, तो एक काम करो HUF पार्टीशन कर दो और मेरे को मेरा 100 करोड़ दे दो, क्योंकि HUF लॉ में बोला हुआ है सबका इक्वल राइट होता है, तो मेरे को मेरा 100 करोड़ दो, मैं जाता हूं। अब घर में सन्नाटा, एक तक पूरे एक एक का फोटो दिखाएगी, एक एक का चरैसे से झुमझुम करेगी। ब्रेक आ गया। अब इस ब्रेक पे आपसे पूछा जा रहा है बताओ क्या ऋषभ को 100 करोड़ मिलने चाहिए या नहीं? यदि आपके अंदर बात ये चल रही है कि दिस इज HUF, तो आई टेल यू HUF में हर फैमिली मेंबर का इक्वल राइट होता है और ऋषभ को 100 करोड़ मिलना चाहिए एज पर द लॉ। और यदि आपको लगता है कि ऋषभ को कुछ नहीं मिलना चाहिए, यानी दिस इज नॉट एन HUF,
यानी डिसीजन इस पे नहीं है कि आपका इमोशन क्या है, डिसीजन इस पे है कि लॉ क्या है। यदि HUF है तो इसको 100 करोड़ मिलेंगे ही, पापा कुछ नहीं कर पाएंगे, और यदि HUF नहीं है तो इसको मिलेगा एक कान के नीचे थप्पड़ टटाक। तो बताओ क्या एक सटाका या 100 करोड़, बोलो लाफा कान के नीचे या 100 करोड़। इमोशनल मत होइए, आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं। लाफा थप्पड़, आप लोग को लगता है दिस इज नॉट HUF, इट हैज सम लैक, ये HUF नहीं है, कुछ कमी है इसमें। ओके लाफा लो भाई, ऋषभ को क्या लगता है? हम पहले ही बोला इमोशन मत होना। सर क्या बोलते हो, मतलब ये अच्छी नहीं है? क्यों नहीं है, क्या नहीं है? ये लोग हिंदू है, फैमिली है, कॉमन है, अनडिवाइडेड है, फैमिली बिजनेस है, क्यों अच्छी ऑफ नहीं है? क्या मिसिंग हो रहा है HUF में, क्या मिसिंग हो रहा है? हिंदू नहीं है, अनडिवाइडेड नहीं है, कि प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब बिजनेस नहीं है, क्या नहीं है? क्या मिसिंग क्या है HUF में, मिसिंग क्या है? डीड, कैसी डीड? ये भी तो पुराना बिजनेस है, 1976 का बिजनेस है। ओके आई डोंट फील दैट। ओके हम लोग कर रहे हैं वॉट इज HUF, तब हम लोग करेंगे टैक्स रेट ऑफ HUF। टैक्स रेट ऑफ HUF बहुत आसान है बताना, HUF क्या है ये बताना थोड़ा सा जरूरी है। दो HUF में तीन वर्ड है, H मतलब हिंदू, U मतलब अनडिवाइडेड, एंड F मतलब फैमिली, और ये तीनों वर्ड का अपना अपना मतलब है। पहला मतलब फैमिली, फैमिली मतलब दे मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। तो सिंस ऋषभ, ऋषभ के बड़े भाई साहब, ऋषभ के पापा के कॉमन एंसेस्टर है, सब एक ही दादाजी के संतान है, इसलिए दे आर फॉलिंग अंडर फैमिली। मैं और ये मिलके HUF नहीं बना सकते, भले हम लोग कितने ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, भले हम लोग दोनों हिंदू क्यों ना हो, लेकिन हम लोग HUF नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग कॉमन फैमिली नहीं है, हम लोग का कॉमन एंसेस्टर नहीं है। मैं और मेरे मामा का लड़का भी HUF नहीं बना सकते, क्लियर? मैं और मेरा भाई मिलकर HUF बना सकते हो, मैं और मेरा लड़का मिलकर HUF बना सकते हो, मैं और मेरे पापा मिलकर HUF बना सकते हैं। ये बात क्लियर, फैमिली वर्ड क्लियर। हिंदू मतलब दे मस्ट बी गवर्न बाय हिंदू लॉ, ठीक है, कोई बोलने की बात ही नहीं है। अनडिवाइडेड इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड अनडिवाइडेड मतलब होता है अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी। यानी HUF का सबसे बड़ा एसेंस है कॉमन प्रॉपर्टी। तो क्या ये प्रॉपर्टी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है? ये बोलेगा अपने तीनों ही तो मिलकर कमा रहे हैं। तो पापा बोलेंगे बेटा जब तुम पैदा नहीं हुआ था ना तब से हमें धंधा कर रहे हैं, तो तुम क्या कमा रहे हैं? ये सारा मेरा कमाया हुआ है। सुबह 8 बजे उठ के यहाँ पे कौन आया? मैं। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। साल भर बाद आके यहाँ पे गल्ले पे बैठ जाएंगे और बोलेंगे पापा अपने सब मिलकर तो कमाया है, तो एक लफा ही तो खाएगा। तुम कब से मिलकर कमाए रहे नालायक? जब तुम पैदा नहीं हुआ था तब हम यहाँ पे सुबह 7 से 9 काम कर रहा था, मतलब सुबह 7 से लेकर रात के 9 तक, तो तुम कैसे कमा लिया? ये प्रॉपर्टी तेरी कैसे हो जाएगी? ये सारी प्रॉपर्टी मेरी।